अमेरिका अमेरिका से लोग शाहपुर डैम पिकनिक मनाने। अबे यार भाई तू साइड में हो जाना यार, देख रहे हैं कि वो हमने जाना है इस्लामाबाद। अमेरिका से लोग शाहपुर डैम पिकनिक मनाने यार, यार तू समझ नहीं आ रही का तेरे यार, उधर चले जा भाई। अमेरिका से लोग पिकनिक, यार बड़ा बगैर था भाई तू यार। चलो अब चलते हैं इस्लामाबाद, फिर देखते हैं वहां पे क्या होता है। अरे तू रे चलो। बड़ा बगैर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बेसिकली कुछ काम की मसरूफियात के बिना पे आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला सका, और इस दफ़ा जो है वो मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं शेफ़ सादत सिद्दीकी, उनके साथ में स्कर्दू के टूर पे निकला हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो बहरहाल फिर भी वो आगे निकल गए और मेरे साथ शाहिद भाई मौजूद थे। हमने वापसी का सफ़र लिया और वापसी के सफ़र में इतफाक़ से शाहिद भाई के भाई हसन भाई जो हैं वो अमेरिका से आए हुए थे और इस्लामाबाद में रुके हुए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दो दिन जो है लगातार हम अहमदाबाद में रहे, उसे एंजॉय करते हुए वापस अब पिंडी का सफ़र कर रहे थे, और उनके बीच में हसन भाई का आ जाता है ससुराल, और हसन भाई की ससुराल है फ़तेह जंग में, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है पिकनिक पॉइंट है, शायद बहुत कम लोगों को पता हो, और इसका नाम है शाहपुर डैम। अब शाहपुर डैम पे हम आ चुके हैं, और शाहपुर डैम पे जो है इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ शाहिद भाई अलमाइटी ने। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके, सब खैरियत से हैं? यासीन भाई के साथ आए हैं। कौन सा पूर डैम है? शाहपुर डैम, खानपुर शाहपुर पता नहीं कौन कौन से डैम है। ये डैम वैसे यासीन, ये जो रावल डैम है ना, उससे बड़ा डैम है, बड़ा डैम है हाँ साइज में। अच्छा वैसे ऑल ओवर माइटी कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा है, सेट है बहुत। अहमदाबाद में कराची से निकले हुए कितने दिन हो गए? हफ्ता तो हो गया मेरे ख्याल में, और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग हैं मुसलसल कंटिन्यूस। सादत भाई को बहुत मिस कर रहे हैं। सात का बात क्रॉस करके नहीं, वैसे सखर से ही रोड अच्छा शुरू हो जाता है, लेकिन ये है कि सात का बाद आप क्रॉस करो एक एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है बिल्कुल ही ना। अच्छा मज़े की चीज़ ये थी कि शाहिद भाई के भाई हैं हसन भाई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया यहाँ से, और ये कुछ छुट्टियाँ थी, कुछ फारिग दिन थे, और उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं बैठ सकता, तो वो भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई माय मोस्ट फेवरेट सिटी अहमदाबाद, उसके कुछ ग्लिम्सेस हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम वहाँ कुछ प्रॉपरली शूट नहीं कर सके। अहमदाबाद तो मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, मज़ा आया, बेहतरीन मौसम, क्या रोड, क्या उसका एनवायरमेंट, ग्रीनरी ब्यूटीफुल यार, मज़ा आया, अलग ही जगह है वो। अच्छा ये भी शाहिद भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी पुरसकून सी जगह है। हाँ यार मोस्टली मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो ना जो भी जगह है ना पंजाब साइड की, बड़ी एक तो कुदरती ग्रीन है, yes. सबसे बड़ा फायदा तो उनको ये है, हम लोग तरसे हुए ना बेसिकली कराची वाले, ग्रीनरी तो कराची को तो खैर अब आप छोड़ ही दो, वो तो एंड हो चुका है, नहीं स्टिल यार वी आर कराची हाइट, गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है ना भाई बेचारे के पास यार आप फिर एनीवे, लेकिन हम लोग तो इन चीज़ों के तरसे हुए ना, ग्रीनरी पानी दरख्त, और यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे माइटी, बेहतरीन है। देखो पानी को बच्चे नहा रहे हैं, देखो मजे से, देखिए ये जो हैं वो अली और शामिर ज्वाइन कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और ये भाई के बेटे मेरे, हाँ एंड हसन भाई दोस्त ये भी खड़े हैं, बहुत ही कोई पुरसकून। शाहिद भाई वो मेरे ख्याल में वो हैं फार्म हाउसेस वगैरह हैं, वो घर बनाए लोगों ने, नहीं फार्म हाउस है, फार्म हाउस है, यस नहीं फार्म हाउस इधर है, ये भी घर बने हुए, वो घर बने हुए ना वहाँ पे, फार्म हाउस घर बनाया है उसने रहने के लिए, अच्छा अच्छा रहने के लिए बना हुआ है, एक वहाँ बना हुआ है, पीछे बनाया हुआ है, पीछे सारे हम लोग सराउंडिंग में फार्म हाउस है, क्योंकि आधा घंटा ही दूर है सिर्फ इस्लामाबाद से। अच्छा जबरदस्त, मतलब इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर है बस, ज्यादा नहीं है। चाहिए क्या प्रोग्राम है, नहाने का प्रोग्राम है, आप बताओ क्या सीन है, चलना तो चलो, शॉर्ट्स नहीं मेरे पास, बिना शॉर्ट्स के चले जाए क्या हो गया, यहाँ कौन सी फैमिलीज हैं।
चलिए जी, आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखा रहे हैं एंड देन हम आपको और मज़ीद चीज़ भी दिखाएंगे। अभी तो बस इंजॉय कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली बहुत बड़ी स्पेस पर है, यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत बड़ी, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है और इतना पानी गहरा नहीं है। देखें, ये इंजॉय कर रहे हैं अली और शामिर भी यहाँ पर, और मतलब बेसिकली चलें देखते हैं कि क्या सीन है। और अभी हम इसको इंजॉय करते हैं और आपको आगे की फर्दर डिटेल्स कम से कम यहाँ के बारे में देते हैं। तो फाइनली जो ये शाहिद भाई ने, ये हमारे पानी के कीड़े हैं, ये नहीं रख सकते। और शाहिद भाई जो है ना डैम के पानी में घुस चुके हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना समर को इंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी प्लेस है, साफ़ सुथरा माहौल है, कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं, क्योंकि लोगों की नज़रों में है नहीं इतना। मे बी आप में से बहुत सारे लोग आए हों और इंजॉय किया हो, तो अगर आए हैं और इंजॉय किया है तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा एक और किस किस ने शाहपुर डैम को विज़िट किया है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, देखिए कहाँ तक पानी फैला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा जो है ये सीन है। सो दिस वॉज अ व्लॉग फॉर यू फ्रॉम शाहपुर डैम। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सके, लेकिन एक छोटी सी कोशिश करी कि इफ़ यू आर कमिंग टू इस्लामाबाद रावलपिंडी तो शाहपुर डैम यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। वेरी मतलब पीसफुल जगह जो है वो है ये पिकनिक के लिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसके बाहर के जो रोड्स हैं वहाँ पे आप कैमरा ऑन नहीं कीजिएगा, कुछ यू नो के आर्मी टेरिटरी है, कुछ इटामिक चीज़ों का है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, यहाँ पे अंदर आके आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रोड्स की इस वक्त नहीं बना सका मैं, रोड्स को नहीं दिखा सका आपके लिए, उसकी रीज़न यही थी। तो नेक्स्ट टाइम फिर कहीं और किसी और जगह यानी खाना आपको मिलेगा बस ऐसे ही घूमते हुए, और हो सकता है हमारे साथ माइटी हो या कोई और हो या कुछ और इन्जॉयमेंट हो। तो एक छोटी सी जगह नज़र आई, मैंने कैमरा निकाला क्योंकि था, और मैंने कहा कि जल्दी से जो है आपके लिए अच्छा सा व्लॉग बनाऊं। कोई भी ऐसी जगह आती है जहां मैं फ़र्स्ट टाइम आता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी आपको ये जगह को दिखाना चाहिए। तो फाइनली यहां से साइन आउट कर रहा हूं। व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट दीजिएगा अगर आए हैं, और बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, दैट्स ऑल। फिर इजाज़त दीजिए, कहीं और मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। भाई मज़ा आ गया यार, यहाँ के इतना अच्छा पानी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो मज़ा आया बल्कि आ रहा है। तो ये है कि भाई के बच्चे भी आए हुए हैं अमेरिका से, मैंने कहा चलो जी यहाँ पे थोड़ा नहा वाले, खूब नहाया, मज़ा किया हम लोगों ने। अब निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, चलें, बहुत खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद भी। भाई मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा वापस जाने का, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं कोई गाँव में कोई जगह ले लूँ, यहाँ पे अब आराम से सुकून से रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि चंद दिनों के लिए होता है ये मज़ा, ये अभी अट्रैक्शन जो है वो थोड़े दिन की होती है, फिर आदमी कहेगा यार क्या करें कहाँ जाएं। हमें तो कराची की आदत है, जब तक अल्लाह की कसम अबे क्या कर रहे भाई, चाय ले आइए बस, ये सुबह 4-5 बजे तक हम जागते हैं। हाँ और क्या, मोटरसाइकिलें, रक्शे, दुनिया जहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कराची के अंदर है माशाल्लाह, यहाँ पे एक सुकून है, बहुत सुकून है, ट्रैफिक का भी बहुत सुकून है, लाइक सब तरीके से चल रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ।
ट्रैफिक ये वो हाई। शाहिद भाई क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को आने का? आए घूमने फिरने के लिए ज़रूर आए, लेकिन जाहिर सी बात है जो जहाँ रहता है उसको वही जगह अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है हम लोग को ये चंद दिनों के लिए अच्छी लगती हैं जगहें ये, लेकिन जो जहाँ पैदा हुआ है तो वही जगह अच्छी लगती है। अब मीरपुर साकरो वाले थोड़ी कोई यहाँ आ जाएंगे कहेंगे नहीं जी हमारी अपनी जगह है। हर कोई जहाँ उसकी रूट्स हैं तो वहाँ पर उसको अच्छी जगह लगती है। और ये अली आ रहा है। हाँ कैसा लगा अली? अच्छा। हाउ वाज इट? गुड। हाँ गुड गुड। Time.